आफ्टर कंप्लीटिंग असेंबली, जब आप क्लासरूम में आते हो तो क्लासरूम में अटेंडेंस और बोर्ड वर्क का थोड़ा सा एक 5-10 मिनट का हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स बोर्ड पर लिखते हो, वो पूरा दिन आपके सामने रहता है, कोई भी टीचर आता है तो वो भी रीड करता है, एक्सप्लेन करने की ट्राई करता है। तो अभी क्या है कि कोई ज्यादातर टीचर बोर्ड पर नहीं पढ़ाते हैं, तो इसलिए एक ये थॉट सिस्टम जो है वो स्टार्ट की है रिसेंटली अभी। तो उसमें क्या है कि डेली एक थॉट आपको जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो भी टीचर होगा वो टीचर दिखाएंगे, रीड करवाएंगे, एक्सप्लेन करवाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वैसा ही आज का जो थॉट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन रीड करेगा इसको? इंटेलिजेंस यस बेटा, प्लस कैरेक्टर, दैट इज द ट्रू गोल ऑफ एजुकेशन। ओके। अब उसको एक्सप्लेन कौन करेगा? उसको एक्सप्लेन कौन करेगा? ठीक है, चलो मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, आप लोग एजुकेशन ले रहे हो अभी, तो क्या एजुकेशन का मीनिंग खाली मार्क्स लेना है, ग्रेड्स अच्छे लेना है, किसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना है? बिल्कुल नहीं। क्या है ना कि पूरी सिस्टम इस तरीके से चल रही है, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि भाई ये सब्जेक्ट कर लो, वो कर लो, ये चैप्टर कर लो, ये क्वेश्चन करो, वो मटेरियल करो, जिससे कि हमको बहुत बढ़िया मार्क्स मिले। क्या करेंगे बढ़िया मार्क्स लाके? कुछ नहीं। एजुकेशन का जो गोल है वो गोल बढ़िया मार्क्स लाना या कोई अच्छी कॉलेज में जॉब्स लेना, सॉरी, कोई अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना या फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लेना, ये नहीं है। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, ये गोल है ही नहीं एजुकेशन का। एजुकेशन के मेनली टू गोल्स हैं, कौन कौन से? इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर। इंटेलिजेंस का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, क्या होता है इंटेलिजेंस का मतलब? किसी बात को अच्छे से समझना, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। डीपली अगर आप किसी बात को समझते हो तो उसको ही बोलते हैं इंटेलिजेंस। मान लो कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो 8th स्टैंडर्ड में और कोई कंपटीशन लेके आ गया, ऐसे कंपटीशन बोल दिया आपके क्लास में कि चलो भाई कल आपकी ऐसे कंपटीशन होगी, ये 3 टॉपिक रहेंगे आपके पास, उसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है। 3 टॉपिक उससे बता दिए, चलो फॉर एग्जाम्पल कोरोना पैंडेमिक एक टॉपिक हो गया, सेकेंड टॉपिक हो गया सेलिब्रेशन ऑफ 15 अगस्त, सेकेंड टॉपिक हो गया, एंड थर्ड टॉपिक हो गया ऑनलाइन एजुकेशन। ये 3 टॉपिक आपको दे दिए, अब इसमें से आपको ऐसे लिखना है। तो जब भी आप उसका ऐसे लिखेंगे तो ऐसे में आप कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से नोट्स शामिल करेंगे, उसी को तो इंटेलिजेंस कहते हैं। आप लोग 50 गर्ल्स हो और आप लोग के पास 3 ऐसे हैं, तो मेनली डिवाइड करो तो कोई एक ऐसे 16 गर्ल्स लिखेगी, लेकिन 16 गर्ल्स जो एक कॉमन ऐसे लिख रही है उसमें सबका नंबर नहीं आएगा, एक का ही नंबर आएगा। तो क्यों भाई एक का ही नंबर आया, बाकी 15 ने क्या गलत लिखा था? ऐसे का मतलब है वो बाउंड्री लेस है, एंडलेस है, जो भी आपको उसमें इंक्लूड करना है आप कर सकते हो, वही तो मीनिंग है ऐसे का। तो फिर क्यों एक का ही नंबर आया, बाकी किसी का नंबर नहीं आया? उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, इंटेलिजेंस। आपको ऐसे लिखने को बोला है तो उसमें दो चीज की आप अगर ध्यान रखते हैं, सबसे पहली चीज क्या है आपके हैंड राइटिंग, और सेकेंड थिंग क्या है कंटेंट।
एक कोई गर्ल्स होगी वो बहुत बहुत बढ़िया लिखेगी, बहुत बढ़िया लिखेगी, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी, कंटेंट उसका बहुत स्ट्रांग होगा, पेज भरती जाएगी भरती जाएगी, 8-10 पेज का ऐसे लिख दिया। एक गर्ल्स होगी उसके हैंड राइटिंग इतने खूबसूरत है कि वो हैंड राइटिंग में ही रह गई और इसी के कारण 2-3 पेज ही लिख पाई, तो कंटेंट उसका कंप्लीट नहीं लिखा उसने। और एक गर्ल्स होगी कि जिसके हैंड राइटिंग भी अच्छे थे, कंटेंट भी बढ़िया था, 5-6 पेज में जो मीडियम ऐसे हम बोल सकते वैसा ऐसे उसने लिख दिया, और उन 5-6 पेज में उसने सभी टॉपिक्स कवर करने की ट्राई की, तो हम कहेंगे कि ना ये बहुत इंटेलिजेंस, क्या बढ़िया लिखा है इसने, कम पेज में सब कुछ कवर कर लिया, वो है इंटेलिजेंस। ये एजुकेशन का मेन गोल है समझना। एंड सेकंड जो गोल है वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या है? वेल डिसिप्लिन। मैंने कई बार बच्चों को बोला है कि आप स्कूल में क्यों आते हो, स्कूल में एजुकेशन के लिए आते हो? बिल्कुल नहीं, एजुकेशन तो आपको ट्यूशन में भी मिलता है। जब भी आप ट्यूशन में जाते हो तो ट्यूशन में टीचर क्या करवा रहा है? जो आपका सिलेबस है वही आपको पढ़ा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो जो सिलेबस वो आपको पढ़ा रहा है तो इसका मतलब कि जो कंटेंट आपको पढ़ना है वो सब वो करवा रहा है। हाँ, लेकिन स्कूल में एक चीज उसे ज्यादा भी होती है, उसी का नाम है डिसिप्लिन। मान लो कि आप स्कूल में आए तो देखना, ट्यूशन में हम कभी टाइम पर नहीं पहुंचते, कभी 5 मिनट पहले आ गए, कभी 10 मिनट लेट आएंगे, कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन स्कूल में देखो, अगर आपका टाइम है 7:30 का, तो 7:30 के बाद में आएंगे तो आपको क्या करेंगे? पनिशमेंट देंगे। स्कूल में जब आप आते हो तो यूनिफॉर्म पहन के आते हो, ट्यूशन में कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनता है। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनेंगे, शूज पहनेंगे, आई कार्ड लगाएंगे, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर होके आएंगे, यही तो है डिसिप्लिन। ट्यूशन में हम जिस बुक में वर्क कर रहे हैं उस बुक को पता नहीं कि हम कवर पे लगाते हैं या नहीं, लेकिन स्कूल में देख लो आप जितनी भी आप फेयर नोट बनाएंगे उन सब में कवर नोट लगा कवर पेज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल एक डिसिप्लिन का पार्ट है। यहाँ पे आए तो पता चला कि स्कूल में 10 बजे ब्रेक होता है तो तभी आपको ब्रेकफास्ट लेना है, तभी आपको कुछ नाश्ता लेना है, फ्रेश होना है। बाकी आप ट्यूशन में देख लो, आप टीचर को बोलेंगे कि मैडम आज बहुत भूख लगी है, कुछ नाश्ता कर लो, तो बोलेंगे कि हाँ कोई बात नहीं कर लो। क्यों? क्योंकि ट्यूशन में डिसिप्लिन थोड़ी है, ट्यूशन में तो एजुकेशन है, खाली पढ़ा रहे वो लोग बस, और कुछ नहीं है वहां पर। फिर यहाँ पर देख लो, आप रोल नंबर वाइज बैठने की ट्राई करेंगे, ट्यूशन में जहां भी मन हो हम बैठ जाएंगे, स्कूल में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, ट्यूशन में मोबाइल फोन लेके जाएंगे, स्कूल में होमवर्क फेयर नोट कंप्लीट करना है, ट्यूशन में कुछ नहीं करेंगे, होमवर्क करेंगे 1-2 दिन नहीं किया फिर भी टीचर खुद नहीं करेगा, कोई बात नहीं जाने दो। क्यों? क्योंकि ट्यूशन जो है वो आपको डिसिप्लिन नहीं सिखाता, वो खाली आपको नॉलेज ही देगा, जबकि स्कूल नॉलेज के साथ साथ में डिसिप्लिन भी देगा। और वो बोलते हैं ना कि कोई भी हैबिट अगर आप 8-10-15 साल तक कंटिन्यू रखते हो तो फिर वो आपका कैरेक्टर बन जाती है, कैरेक्टर बन जाती है। वो दूसरे और के लिए कुछ भी हो लेकिन आपके लिए वो कैरेक्टर हो गया कि नहीं भाई मैं तो ये 12 साल से कर रहा हूं। बहुत सारे लोग सिटी में होते हैं ना, मान लो कि मेरी बात करता हूं, मैं सुबह में जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। क्यों? क्योंकि पहले से मेरी हैबिट ही नहीं रही। लेकिन बहुत सारे उसके सामने स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि हाँ वेकेशन होता है फिर भी हम उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल डेली जाना है 7:30 बजे, पता ही है कि 7 बजे उठना है, तो एक पूरा हैबिट बन गई, मेरा एक कैरेक्टर हो गया कि मैं उठ जाती हूँ 7 बजे, चाहे फिर वेकेशन क्यों ना हो, बाहर कहीं घूमने क्यों ना गए हो, रिलेटिव्स के घर पे गए हो, फिर भी मैं 7 बजे उठ जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा कैरेक्टर ही है ये, राइट? तो उसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन खाली आपको ग्रेड्स, मार्क्स, परसेंटेज, अच्छी कॉलेज में एडमिशन या फिर बहुत बढ़िया कंपनी में जॉब, उसके लिए नहीं है। एजुकेशन जो है वो पूरा कैरेक्टर के लिए और इंटेलिजेंस बनने के लिए है।
तो ये कुछ आज का थॉट है, मैंने थोड़ा सोचा। सर हाँ हेलो हाँ मैम, જે તમે થોટ મૂક્યો છે ને બહુ નાનો છે અને છે ને મોટો કરવાની જરૂર છે કે સ્ક્રીન માં આવી જાય ને એવી રીતના કઈ દેખાતું નથી સેજ મોટો કરો ને અચ્છા એકચ્યુઅલી બરાબર છે, હા રોટેટ નથી થયું ને, હા ઓકે બરાબર ને। હલો હલો, યસ સર વેર ઇઝ રચિતા મેમ? બોલો સર હવે બરાબર છે ઓકે ને, ઓકે। सो कुछ इस तरीके से हम एजुकेशन का इम्पोर्टेंस जो है ना वो समझ सकते हैं, खाली ग्रेड्स परसेंटेज के लिए नहीं है, फर्स्ट रैंक लाना सेकंड रैंक लाना इसके लिए नहीं, ये डिसिप्लिन की बात है, कैरेक्टर की बात है, इंटेलिजेंस की बात है। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपना जो अप्रोच है, अपना जो नजरिया है, वो नजरिया चेंज करेंगे। नजरिया चेंज करके जब भी आप एजुकेशन लेने के लिए आओ तो बस ये खाली अप्रोच आप चेंज कर दो ना कि मैं परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मेरे कैरेक्टर के लिए, मेरी इंटेलिजेंस के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी डिसिप्लिन के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है चलो, तो अब हम लोग सेकेंड चैप्टर कर रहे थे, और सेकेंड चैप्टर में जहां तक मुझे याद है हमने कितने क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, 10 क्वेश्चन गर्ल्स। दस क्वेश्चन कंप्लीट किए या 11 क्वेश्चन गर्ल्स? सर कितने क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे? बताओ, किसी को नहीं पता क्या? अच्छा दस नहीं, तो मेरे पास तो सब कुछ लिखा हुआ है ना क्वेश्चन सर। सर 10 क्वेश्चन हाँ लास्ट में 10 नंबर का क्वेश्चन किया था, तो आज 11th करना है ना हमको। यस सर ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि आज एक्सरसाइज खत्म हो जाए, नहीं होगी तो एक दो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 चलो जल्दी से देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन हियर, बाईचंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाईचंग। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 इयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम? ओके, आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि इसमें टोटल तीन वेरिएबल है, एक तो है बाईचंग, सेकेंड है बाईचंग्स फादर एंड थर्ड है बाईचंग्स ग्रैंडफादर। सम रिलेशन ऑफ एजिस गिवन हियर फॉर दिस थ्री कैरेक्टर एंड द टोटल सम ऑफ दिस थ्री इज 135 इयर्स, इट इज ऑल्सो गिवन। वी हैव टू फाइंड द एज ऑफ ईच पर्सन, मीन्स एज ऑफ बाईचंग, एज ऑफ बाईचंग्स फादर एंड एज ऑफ बाईचंग्स ग्रैंड फादर। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ यू कैन सी हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इन टू रिलेशन इक्वेशन। यू कैन सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर ओल्डर देन बाईचंग्स ग्रैंड फादर। सो वी आर सपोजिंग दैट, सपोज बाईचंग्स फादर एज, एक ईयर, राइट? नाउ इट इज गिवन दैट बाईचंग्स ग्रैंड फादर, बाईचंग्स ग्रैंड फादर एज इज एक्स प्लस 26 ईयर्स। वाई? बिकॉज ऑफ इट इज गिवन दैट बाईचंग्स फादर इज यंगर, 26 ईयर यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंड फादर। इट्स नॉट ओनली फादर हियर, इट इज ग्रैंड फादर।
Clear all of you? So it means Baichang's father age is X year. Baichang's grandfather age is X plus 26 years. Now what is the age of Baichang? So it is also given that Baichang's age, Baichang, Baichang's age, it is X minus 29 years. Why? Because of Baichang's father is 29 years older than Baichang. So if the Baichang's father age is X, if you subtract 29 from it, we get the age of Baichang. First, clear these three things. We are converting our statement into these three ages. Baichang's father age, we are supposing X. Baichang's grandfather age, which is X plus 26. And Baichang's age, it is X minus 29. Right? Now you can see the sum of these three. The age of sum of these three, it is given that 135. So we are writing that X plus 26 plus X minus 29 is equal to 135. Now you can see it is equation in which X, X and X are like terms. So we are adding 3X. You can see 26 and minus 29 plus minus minus. 26 minus 29, it is minus 3. We get 135, right? So 3x is equal to, now we are taking this minus 3 to the right side. So it is positive. 3x is equal to 135 plus 3, 138. So we get x is equal to 138 divided by 3. And whenever you divide this, 138 by 3, 3 fours are 12. 118, 36 are 18, 0, 0. So we get 46. X is equal to 46. So it is the value of X. Now we have to write down everything here. Hence, Baichang's father age. Is 46 year. Baichang's grandfather age we know that Baichang's grandfather age is X plus 26, it means 46 plus 26, so we get 72, right? And what is Baichang's age? So Baichang's age, we suppose that X minus 29, it means 46 minus 29, so we get 17 here. Clear all of you? Yes sir. Yes sir. So like this we are solving this problem, sir. Okay, now you can see question number 12. Question number 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? Okay, you can see. Suppose we are supposing that Ravi's present age is X. Okay, now after 15 years, so it means we have to add 15. Just I am giving you example, you are 13 years old. Okay, after 4 years, what will be your age? 17, right? What we have to do, we are adding 4. So here it is given that after 15 years, so we have to add 15. It is given that after 15 years, Ravi's age will be 4 times of his present age. After 15 years, means X plus 15, it is equal to the 4 times of his present age. Uski jo abhi age hai, usse 4 times hogi.
right? So it is your equation. Now you can solve easily. First we are changing left hand side and right hand side. So 4x is equal to x plus 15. Now we are taking x to the left side. 4x minus x is equal to 15. So we get 4x minus x, 3x is equal to 15. X is equal to 15 divided by 3. So we get 3 5s are 15. X is equal to 5. So x is equal to 5 means, hence Ravi's present age. We are supposing x is equal to Ravi's present age. So Ravi's present age is 5 years. Clear all of you? Girls? Yes. You can see then question number 3. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the number? I don't know number, so we are supposing that, for example, we are supposing that a rational number is x. We are supposing that rational number is x. Right? Now it is given that a rational number is such that when you multiply it by 5 by 2. So we are multiplying rational number x with 5 by 2. Right? Then what is given? And add 2 by 3 to the product. Product means it is product. X into 5 by 2, it is product. We have to add 2 by 3 to it product. We get minus 7 by 12. So it is another equation. Again, you can see we are supposing rational number as x. You can multiply rational number with 5 by 2 and add 2 by 3 to this product. We get minus 7 by 12. So what is the answer? So whenever you solve this question, x into 5 by 2, this 2 by 3 is an addition with another term we are taking onto right hand side. So it's become minus. Now you can see we are not subtracting this two number. Why? Because of denominator are not equal. So for equal denominator, we are multiplying with 4 because of 3 4s are 12. Yes or no? Girls. So x into 5 by 2 is equal to minus 7 by 12 minus 2 4s are 8 divided by 3 4s are 12. Now you can see if we have denominator equal, we can add or subtract numerator. Yes or no? Yes, sir. So x into 5 by 2 is equal to minus 7 minus 8 minus 15 by 12. Now we have to find x. So we are taking this 5 by 2 to the right side. So it's become reciprocal. 2 is in numerator, 5 is in denominator. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now you can see we can easily cut this term. 5 3s are 15. Now 3 4s are 12. 2 2s are 4. So we get in numerator only negative sign, means minus 1, and in denominator we have 2. So which rational number we are selecting? Minus 1 by 2. Clear all of you? Yes, sir. Right? So like this we have to solve every problem question. Now we can see question number 14. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees respectively. The ratio of the number of these notes is 2 is to 3 is to 5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh rupees. How many notes of each denomination does she have? Okay, you can see. Very simple question.
લક્ષ્મી હેવિંગ થ્રી ટાઈપ્સ ઓફ નોટ, 100 રૂપીઝ નોટ, 50 રૂપીઝ નોટ એન્ડ 10 રૂપીઝ નોટ. એન્ડ ધ રેશિયો ઓફ ધીસ નોટ ઇટ ઇઝ ગિવન. સો વેન એવર વી હેવ રેશિયો, વી આર સપોઝિંગ દેટ 2x, 3x એન્ડ 5x, બીકોઝ ઓફ રેશિયો ઇઝ ગિવન 2:3:5. વી આર સપોઝિંગ 100 રૂપીઝ નોટ 2x, 50 રૂપીઝ નોટ 3x એન્ડ 10 રૂપીઝ નોટ 5x. ક્લિયર ઓલ ઓફ યુ? યસ સર. ઓકે, નાવ આઈ એમ આસ્કિંગ યુ વન ક્વેશ્ચન. ઇફ યુ હેવ 500 રૂપીઝ નોટ, સો હાઉ મેની, હાઉ મચ રૂપીઝ યુ હેવ? ઇફ યુ હેવ 500 રૂપીઝ નોટ, હાઉ મચ રૂપીઝ યુ હેવ? 500 રૂપીઝ, યસ ઓર નો? યસ. ઇફ યુ હેવ 10 50 રૂપીઝ નોટ, હાઉ મચ રૂપીઝ યુ હેવ? ગર્લ્સ 500. અગર આપકે પાસ 50 રૂપીઝ કી 10 નોટ હૈ, આપકે પાસ ટોટલ વેલ્યુએશન કિતની હુઈ, કિતને પૈસે હુએ? 500 રૂપીઝ. સો ઇટ મીન્સ વી આર સિમ્પ્લીફાઈંગ, simply multiply this two number of notes into the denomination, right? So we are again, we are doing multiplication, 100 into 2x. So what is the multiplication? 200x, 50 yes. into 3, so 150x, and 10 into 5, 50x. So we have total valuation. It is known as valuation. Why? Because of we are multiplying denomination with number of notes. Whenever you multiply a denomination into number of notes, we get valuation. So total valuation we have for 400x, and it is given that Lakshmi has 4 lakh rupees in total valuation. So we are comparing these two, so we get x is equal to 4 lakh divided by 400. 20 directly will be cut. 4,000. So we get x is equal to 1,000 rupees. Sorry, 1,000. But it is not answer. We have to find number of notes. So 100 rupees note, we are supposing that 2x. So it means 2 into 1,000, we get 2,000. Right? 50 rupees note, we supposing 3x. So it is 3 into 1000. We get 3000 not. And 10 rupees not, we have 5x. So 5 into 1000. So we get 5000 not. Clear all of you? Yes, sir. Yes, sir. And Sam has question number 14. It is not 13 number question, it is 14 number. Sam has question number 14. We have 15 number question. You can see here. Last question we will do in next lecture. Okay, I have a total of 300 rupees in coins of denomination 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees. The number of 2 rupees coins is 3 times the number of coins of 5 rupees coin. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? Okay, you can see same question like this. Here given that 1 rupees coin, 2 rupees coin and 5 rupees coin. It is given that if 5 rupees coin we are supposing x, then 2 rupees coin it is 3 times and then 5 rupees coin. So it means it is 3x. We don't know how many coins we have of 1 rupees. So we are supposing y, one another variable. Now you know that the sum of this all the coins, it is given 130 coins. Sorry, 160 coins. How many coins we have? 160 coins. Clear all of you? Now, if you want to find the valuation,
For this, we have to do multiplication. 1 into y, 1y. Then 2, 3 is 6x. Then 5x. It is the total valuation. What is total valuation? 11x plus y. 6x plus 5x. It is 11x. And plus 1y means y. So 11x plus 5, y, it is given that 300 rupees. I have 300 rupees in denomination of 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees coin. And it is one another equation. You can see here 3x plus 4x, x 4x, so 4x plus y is equal to 160 coins. Out of these two equations, we have to find the value of x. And for this, we are converting this equation into form of y. Y is equal to 300 minus 11x. And here again, y is equal to 160 minus 4x. You can see, if you want to find the value of y, we are taking 11x to the right side. And same in another equation, we are taking 4x to the right side. Now you can see if this two equation, it is equal with the value of y, we can compare its right hand side. So 300 minus 11x is equal to 160 minus 4x. Okay, now if you want to find the value of x, you can easily find here. First we are taking 11x to the right side and 160 to the left side. So 300 minus 160, 11x minus 4x. So we get 300 minus 160, 144, 11x minus 4x, it is 7x. We are changing left hand side and right hand side. So x is equal to, we get 140 divided by 7, 7 twos are 20. We get x is equal to 20. But it is, we get the value of x. Now if you want to find 1 rupees coin, we are supposing that y. 2 rupees coin, we are supposing 3x, and 5 rupees coin, we are supposing x. So 5 rupees coin, we have 20. 2 rupees coin, we have 20, 3 is 16. And the total number of coin is 160. Out of this 160, 80 coins of we have 2 rupees and 5 rupees. So remaining coins, 80 coins we have of 1 rupees. Clear all of you? So like this, you have to solve every problem question. Here 11, 12, 13, 14 and 15, there are 5 problem sums. Please take a screenshot. We have no time to write down every question. After all lectures getting over, please write down these 5 questions in your fair book 1 times and 2 times in your rough book as a homework. Clear all of you? Okay, sir. Okay, please take a screenshot. Sir, take one. Sir, wait. Take on all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, take on, take on. Okay. What? Okay, so we will meet in next lecture and we will do question number 16 and then after we will start exercise 2.3. Okay? Okay, sir. Okay. Chalo, bye all of you. Have a nice day. Bye, sir. Bye, sir. Aisha, Avani, sir. Aisha. Recording is starting. Oh my God.
ઇંગ્લિશ સર સને બોલે મોદેસા એટમોસ્ફિયર ની વીપીટી બનાવી ના ના ભૂલાઈ ગયું યાર મેં તો એને બનાવી લીધી